जनवरी 24, 2023 को हिंडनबर्ग रिसर्च ने जो रिपोर्ट प्रकाशित की वह बहुत हैरान करने वाली है, क्योंकि ना सिर्फ यह रिपोर्ट बेबुनियाद, आधारहीन, तथ्यहीन और बदनाम करने वाले आरोपों, गलत फहमियों और कुछ चुनिंदा झूठ का समावेश है, बल्कि इसे प्रकाशित करने से पूर्व हमसे ना हिंडनबर्ग ने संपर्क किया, ना स्थिति स्पष्ट करने का मौका दिया। उन्होंने ऐसे मुद्दों पर भी आरोप लगाए हैं जिन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालयों द्वारा भी खारिज किया जा चुका है। यह रिपोर्ट कंपनी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की बदनीयति से खास ऐसे समय पर प्रकाशित की गई जब अदानी एंटरप्राइज का फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर लॉन्च होने ही वाला है, जो भारत का अब तक का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर एफपीओ है। इसका उद्देश्य केवल इस एफपीओ को विफल करने का है। अदानी ग्रुप में निवेशकों की विश्वास का आधार वित्तीय विशेषज्ञों द्वारा तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा बनाई गई रिपोर्ट्स रही हैं, ना कि एक तरफा बेबुनियाद स्वार्थ से प्रेरित बनाई गई रिपोर्ट। अदानी ग्रुप ने हमेशा हर न्याय क्षेत्र में कानून के दायरे में रहकर काम किया है, पूरा कंप्लायंस किया है और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के सर्वोच्च स्टैंडर्ड को ध्यानपूर्वक बनाए रखा है। शुक्रिया।